खबर सुल्तानपुर से है, जहां शुक्रवार को जिला पंचायत वार्ड संख्या 19 से जिला पंचायत सदस्य निकलेश सरोज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में हुई शामिल, जिसमें लगभग 50 की संख्या में महिलाएं रही। जिला कांग्रेस कमेटी में आयोजित एक भव्य समारोह में जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा व जिले के ज्वाइनिंग प्रभारी उपाध्यक्ष विनोद राणा ने दर्जनों वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बताते चले कि सदस्यता समारोह में जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा, महिला अध्यक्ष उर्मिला उपाध्याय, उपाध्यक्ष रेणु श्रीवास्तव, कंचन सिंह, शहर अध्यक्ष किरण राणा, प्रमिला गौतम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुष्पा, ममता पाठक, मीरा पांडे ने फूल मालाओं व कांग्रेस का पटका पहनाकर निकलेश सरोज समेत सैकड़ों समर्थकों का स्वागत किया। निकलेश सरोज के साथ कोरेभार व धनपतगंज ब्लॉक के कई प्रधान व बीडीसी सदस्य भी रहे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के बाद सुश्री सरोज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी व गांधी परिवार ने आजादी से लेकर अब तक देश की सेवा में बलिदान दिया है। बसपा में 6 साल काम करने के बावजूद बहन जी से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी में प्रियंका दीदी से मुलाकात हुई। मिलने के बाद लगा कि दया, करुणा व सम्मान का भाव सिर्फ कांग्रेस में है। आज देश में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब कांग्रेस शासन में बनाई गई जनहित की योजनाओं के बल पर है। इंदिरा जी के बाद प्रियंका गांधी को देखकर लगा कि वह देश में बड़ा बदलाव ले आएंगी। ऐसे में उनके द्वारा आधी आबादी की आवाज़ उठाना महिलाओं को प्रभावित कर रहा है। प्रियंका गांधी के विचारों से प्रभावित होकर महिलाओं के उत्थान की लड़ाई लड़ते हुए समाज सेवा का बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। वह कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की मजबूत भागीदारी जोड़ते हुए जनहित के कामों को अंजाम देगी। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट।